हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कपड़ा प्रेस मार कर उसको फोल्ड कर लेना चाहिए, कन्नी वाला सा आपके बाजू में रहेगा, बिना कन्नी वाला सा इधर रहेगा। जो कन्नी है सब सब आप इधर रहेगा, नीचे छोटा बड़ा होगा उसको बराबर कर लेंगे। सबसे पहले नीचे 3 इंच का मार्जिन देंगे फोल्ड के लिए, साइड में फंदे से निशान मार लेंगे। जो हमारी कन्नी है वो हमारी मेजर नहीं होगी, कन्नी कट के साइड हो जाएगी। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे, 1 इंच कम लगाएंगे लेंथ में, क्योंकि 1 इंच इलास्टिक जाएगी। ये हमारी थाई, ये हमारी कमर, ये हमारा नी, ये हमारी काफ। सबसे पहले हम थाई मेजर करेंगे, 3 इंच की लूजिंग डाल के, 3 इंच की लूजिंग डाल के हम निशान लगाएंगे और सिस्टम सेंटर बनाएंगे, उसको हम हाफ सेंटर कर देंगे। ये हमारा 2 इंच पीछे निशान आसन का, ये हमारा सेंटर, इसका हम आधा कर लेंगे जितने भी लूजिंग डालेंगे। हम सेंटर बना लेंगे, पहले हम और नापेंगे हम सेंटर से। अब सबसे फंटी मार देंगे, 6 घंटे ऑटोमेटिक आएगी आपके सही से, ऐसे साइड मार देंगे। थाई के इधर जो 1.5 इंच का मार्जिन निकलता है, मतलब थाई के इधर थाई की तरफ बढ़ा देते हैं, ताकि हमारी पेंट खींच ना मारे। ये हमारे जो देख रहे हो ना, जो कमर मेजर करेंगे, इस कमर में जितनी कमर होगी इसका हम 1/4 करेंगे, 1/4 में हम कमर में हम 1.5 इंच मार्जिन डालेंगे, 2 डाटों का मार्जिन, हाफ पॉइंट साइड जो पे डाट का मार्जिन, और 1 इंची जोड़ने में जो मार्जिन जाएगा वो टोटल हम 2.5 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा करेंगे। उसको शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा काटेंगे, पहले 2 पल्ले उठाएंगे, चारों पल्ले के साथ ना काटें, साइड का जो मार्जिन है वो चारों पल्ले काट दें, साइड से हम चारों पल्ले के साथ ही काटेंगे। नीचे हल्का सा बाहर कर दो, ताकि हम मोरी जब फोल्ड कर दो मोरी में बट ना आए, खींच ना मारे। हम 2 पल्ले उठाएंगे, पहले फ्रंट काटेंगे सीधा, फ्रंट में 1 इंच का मार्जिन लेंगे, 1/7 इंच का लूज टाइट के लिए। हमारा फ्रंट कट गया,
गाइस हम बैक काटेंगे, बैक फ्रंट से 3 इंच उठा के काटते हैं पीछे से आसान से, ताकि हमारी पैंट पीछे से सरके ना। गाइस जो फ्रंट का पल्ला है 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच। और गाइस ये जो बड़े पीछे वाले पल्ले में डबल आसन का निशान देख रहे हो, ये 1.25 इंच इधर कम हुआ था उधर हमने बढ़ा दिया 1.25इंच। ये हमारा 3 इंच उठा के हम सिलाई मारेंगे। निशान मार दिया हमने 3 इंच उठा के। वासन मेजर कर रहे हैं, सेम नाप के 2 इंच मार्जिन देना है पीछे। यहाँ से हिप हमारी तैयार है गाइस, हमने तैयार नाप है तो हमारी जितनी तैयार, अगर आपके पास तैयार हिप नहीं है तो आप हिप में 4 इंच की लोजिंग डाल दें, 4 या 3 इंच की। 3 इंच की ऐसे डलती है, जैसे ज्यादा खुला मांग दो 4 इंच की, अगर प्लाई हो 4 इंच की डाल दें। अपने हम मार्जिन दे दिया हमने पीछे 1 इंच पीछे वाले पल्ले में मार्जिन दे दिया है। अब टट डिसाइड लगा देंगे, साइड जिप है, हम साइड में जिप लगाएंगे। टट में 1.5 इंच का मार्जिन नहीं जाएगा, फालतू नहीं जाएगा। देखिए गाइस हमारी पेंट कट चुकी है, अब हम गराड़ी मार देंगे ताकि हमें दूसरी तरफ निशान दिख जाए, जोड़ने में आसानी हो। दोनों पल्ले में गराड़ी मार देंगे घस घस के, जोर जोर से पूरा हंगा लगा के। अब डाट पे भी हम निशान लगा देंगे हंगा लगा के। थैंक यू गाइज आप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाय बाय।